नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 25 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर जारी हुई अहम सूचना। बीते दिन विपक्षी दलों ने शुरू किया अपना ही सत्र। आज जारी हो सकता है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। तेजस्वी यादव ने 5 साल तक विधानसभा बॉयकॉट करने की दी धमकी। दूसरे वनडे से पहले भारतीय टीम को लगा करारा झटका। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य चयन बोर्ड एसएसबी ओडिशा ने निकाले रिक्त किया। राज्य चयन बोर्ड एसएसबी ओडिशा ने व्याख्याता के कुल मिलाकर 972 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए विषय की बात करें तो नृविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, शिक्षा, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, आईआरपीएम, तर्क और दर्शन, गणित, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी शास्त्र तय किया गया है। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट ssbodisha.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। आज जारी होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। 10वीं पास युवाओं के लिए अहम सूचना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आज यानी कि 25 मार्च को कांस्टेबल भर्ती जनरल ड्यूटी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, जिसके बाद यह परीक्षा अगस्त महीने में होने वाली है और यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड भी होने वाली है, जिसके बाद इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार ही अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल जीडी के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एसएससी हर साल कांस्टेबल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन इन असम राइफल्स में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करवाता है। बिहार में लोगों का अब होगा जीनोम सीक्वेंसिंग। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में अचानक से एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब बिहार सरकार भी हाई अलर्ट में काम कर रही है, जिसके तहत ही अब बिहार में वैक्सीन के साथ साथ जांच के दायरे को भी बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, अब बिहार से बाहर से आ रहे लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों के तर्ज पर बिहार में कोरोना के मामले ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए ही बिहार सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जीनोम सीक्वेंसिंग का निर्णय लिया है। इसकी मदद से अब ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि कोरोना के चरित्र में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं, जिसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग अपनी नई रणनीति के साथ काम करेगा। पुरातत्व विभाग को सौंपा गया ब्रिटिशकालीन दुर्लभ 16 सिक्के। बिहार के किशनगंज जिले के पौखाली में खुदाई के दौरान जिले में 16 ब्रिटिशकालीन सिक्के को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है। खबरों की माने तो ये सिक्का 1840, 1862, 1877 से लेकर 1907 ईसा तक के हैं। इन्हीं सिक्कों को संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने बताया है कि पौखाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पौखाली मेला ग्राउंड में खुदाई के क्रम में मिले ब्रिटिशकालीन चांदी के सिक्के को विधिवत रूप से कला संस्कृति और युवा विभाग को नजदीकी संग्रहालय में संग्रहित करवाने हेतु उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया है। समस्तीपुर के मन्नीपुर देवी स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मन्नीपुर देवी स्थान समस्तीपुर जिला में किसी आदिपीठ से कम महत्ता नहीं रखता है। यह मंदिर जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर वारिस नगर प्रखंड के मन्नीपुर में स्थित है। वैसे तो प्रत्येक दिन यहां सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र में विशेष भीड़ जुटती है, खासकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी को। इस मंदिर के आकर्षण की बात करें तो गर्भगृह में माता के भव्य प्रतिमा रखी है, जो बेहद आकर्षक है। मंदिर का तत्वरण द्वार लाल रंग का है, जिस पर मनमोहक आकृतियां बनाई गई हैं। सामने पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण है, पास में एक तालाब है और मंदिर के पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब घर बैठे बैठे ले सकते हैं अपने केस से जुड़ा हर अपडेट। बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अब अपने केस से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अब बिहार के लोग ई सेवा केंद्र के माध्यम से सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी अपने मुकदमे के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट, पटना सिविल कोर्ट और मसौढ़ी पंचायत के लखनौर गांव में ई सेवा केंद्र की शुरुआत बीते दिन की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को पटना हाईकोर्ट सहित 3 ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। विधानसभा में जारी सत्र के बीच विपक्षी दलों ने शुरू किया अपना ही सत्र। मंगलवार का दिन विधानसभा से लेकर सड़क तक विपक्ष ने खूब उत्पात मचाया, जिसकी आंच बुधवार को भी देखने को मिली, जिसके तहत ही विपक्षी दलों ने विधानसभा के सत्र में तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के बाहर ही समानांतर सत्र चलाना शुरू कर दिया, जिसके तहत ही विधानसभा में अपने उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार भूदेव चौधरी को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों के इस सत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री चुनने की भी बात कही। हालांकि सुबह से ही विधानसभा के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
बिहार पुलिस दरोगा भर्ती के शारीरिक दक्षता जांच के नियमों में हुआ बदलाव। बिहार पुलिस और जेल विभाग में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार पुलिस और जेल विभाग के दरोगा और सहायक अधीक्षक के लिए शारीरिक परीक्षा को लेकर अहम बदलाव किया गया है, जिसके तहत बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि BPSSC की तरफ से पुलिस अवर निरीक्षक, प्रवर अवर निरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय के सहायक अधीक्षक, कारा आदि के मेंस में सफल उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आयोग ने यह तय किया है कि ऊंची कूद में टाइगर जंप को इस बार शामिल नहीं किया जाएगा। आयोग की तरफ से इन पदों के लिए लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को बारी बारी से ही पटना हाई स्कूल में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में बिहार के युवा ने लहराया परचम। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, समय समय पर बिहार की प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। इसी क्रम में बिहार के लखीसराय के बढ़िया प्रखंड के ग्रामीण इलाके के एक छात्र रेहान भूषण ने राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में देशभर में 13वां रैंक प्राप्त किया है। रेहान भूषण 60 अंकों की परीक्षा में 52 अंक लाकर बिहार टॉप के विद्यार्थियों से काफी आगे है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी रेहान भूषण पिछले साल की इसी परीक्षा में बिहार टॉपर रह चुका है। उनकी इस सफलता से उनके परिवार वाले काफी ज्यादा खुश नजर आए। वहीं रेहान ने अपनी सफलता का श्रेय अपने स्वजन के साथ साथ स्कूल के प्राचार्य को भी दिया है। होली से पहले जारी किया जा सकता है बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट। बिहार बोर्ड के इंटर के परीक्षार्थी लगातार परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस हफ्ते रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। जानकारों की माने तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही मूल्यांकन केंद्रों से सूची क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिए गए हैं। बोर्ड सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंटरमीडिएट के तीनों संकाय के टॉपर्स का इंटरव्यू BSEB ने सोमवार से शुरू कर दिया है। बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के नतीजे ऑनलाइन BSEB.IN और बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जारी किए जाएंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम को जारी करने के लिए फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लोकसभा में बुधवार को नेशनल एलॉयड फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स बिल 2021 को मिली मंजूरी। लोकसभा में बुधवार को NCAHP बिल 2021 को मंजूरी दे दी गई है। कानून में संबंध और स्वास्थ्य पेशेवरों, मुरादा फिजियोथेरेपिस्ट एवं अन्य संवर्ग है। इस बिल के अनुसूची में भौतिक चिकित्सकों स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने को लेकर टिप्पणी किया गया है। बिल का स्वागत करते हुए एम्स नई दिल्ली के भौतिक चिकित्सा डॉक्टर प्रभात रंजन ने कहा है कि यह बिल चिकित्सा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। बिहार भौतिक चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा ने भौतिक के स्वतंत्र रूप से कार्य करने के प्रावधानों का स्वागत किया है। पटना के वरिष्ठ भौतिक चिकित्सा सुजीत कुमार ने कहा कि इस बिल से भौतिक चिकित्सा नीम हकीम के ऊपर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है, जो समाज के हित में उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करेगा। किन्नरों के लिए बिहार में अब होगी खास व्यवस्था। भारत सरकार किन्नरों को समाज में नई पहचान दिलवाने का काम कर रही है, जिसके तहत ही अब भारत सरकार ने उनके लिए अल्पवास केंद्र की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस केंद्र में ट्रांसजेंडरों को वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे उनके आत्मनिर्भर बनने में उन्हें मदद मिल सके। इतना ही नहीं, अपने भविष्य को भी उज्ज्वल बना सके, जिसके तहत बिहार में केंद्र सरकार के इस योजना की शुरुआत राजधानी पटना से होने वाली है, जहां ट्रांसजेंडरों के रहने के लिए अल्पवास केंद्र खोलने की तैयारी हो रही है। इसमें एक साथ 25 ट्रांसजेंडरों के रहने की सुविधा मिलने वाली है, जहां अब किन्नरों को पर्सनल ग्रूमिंग के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि अब वो कैसे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। बिहार में ठंडी पश्चिमी हवा का प्रवाह हुआ शुरू। मौसम विभाग की माने तो 26 मार्च तक बिहार में ठंडी पश्चिमी हवा का प्रवाह ऐसा ही बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के पास स्थित पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही साथ दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर भी एक चक्रवाती सिस्टम है। इन तीनों मौसमी घटकों से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से आर्द्र हवाएं पहुंच रही हैं, लेकिन बिहार पर इसका प्रभाव नहीं है। मौसम विभाग की माने तो 26 मार्च से या इसके बाद अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। विधानसभा में जो हुआ उसको लेकर नीतीश ने एक बार फिर जारी किया अपना बयान। मंगलवार को हुए वाक्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन एक बार फिर से विपक्ष को निशाने पर लिया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सदन में मंगलवार को जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। इतने दिनों से तो विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष ने यह रवैया अपनाना सही समझा। पता नहीं विपक्ष की आखिर मानसिकता क्या है और विपक्ष क्या करना चाहती है, ये हमारे समझ से ही परे है। विपक्ष को कौन समझा रहा है, कौन गाइड कर रहा है? लोकतंत्र में सभी को अपनी बात को साझा करने का अधिकार है, लेकिन समझ नहीं आया कि सदन के खत्म होने के समय ऐसा क्या हुआ। कानून कोई भी बनाता है, उस पर चर्चा होती है, लेकिन सदन में आखिरी समय ऐसा क्या हुआ, ये समझ से परे है।
बिहार के स्कूलों में नामांकन की रफ्तार हुई धीमी। बिहार में सरकार के निर्देश के बावजूद अभी छात्रों की रुचि स्कूली शिक्षा में देखने को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि अब तक जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में सरकार के निर्देश के बावजूद अभी तक सरकारी स्कूल में लक्ष्य से आधा भी नामांकन नहीं हो पाया है। पटना जिले की बात करें तो इस साल मात्र 2 लाख बच्चों का नामांकन होना था, लेकिन अब अवधि समाप्त होने को है और अब मात्र 86,825 छात्रों का ही नामांकन अब तक किया जा सका है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने लक्ष्य से आधा भी नामांकन नहीं होने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। साल सरकारी स्कूल में नामांकन के लिए सरकार ने बकायदा अभियान चलाया, यह अभियान अभी भी जारी है। तरह तरह के सांस्कृतिक योजनाओं के जरिए अभिभावकों को स्कूल तक आकर बच्चों का नामांकन कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचा बिहार का हंगामा। बिहार विधानसभा में हुए हंगामे की गूंज राष्ट्रीय स्तर तक सुनने में मिल रही है, जिसके बाद बिहार सरकार भी लगातार आलोचनाओं में घिरती नजर आ रही है, जिसके तहत ही विधानसभा में विपक्ष की तरफ से विधायकों को सदन से बाहर घसीटा गया है। उसके बाद से कांग्रेस सहित आधा दर्जन पार्टियों ने बिहार सरकार की खूब आलोचना की है, जिसमें राजद तो शामिल है ही, राजद के अलावा समाजवादी पार्टी, आप, शिवसेना सहित अन्य पार्टियों ने भी निंदा प्रकट की है। इसके साथ ही आलोचना पत्र भी जारी किया है, जिसके तहत सोनिया गांधी सहित लगभग एक दर्जन देश के नामी राजनीतिज्ञ के हस्ताक्षर है। इस पत्र में भाजपा और जदयू की संयुक्त गढ़वाली बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया है कि जिस तरह से काले कानून को लेकर राजद और कांग्रेस सदस्यों को बोलने से रोका गया, विधानसभा निश्चित कर बाहर निकाला गया, बिल्कुल पार्टियों का आरोप है कि भाजपा जदयू जनता की आवाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। महेश्वर हजारी बने बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में विधायक महेश्वर हजारी को जीत मिली है। इस बाबत बीते दिन ही बजट सत्र के आखिरी दिन मतदान करवाया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से महेश्वर हजारी और महागठबंधन की तरफ से राजद विधायक भूदेव चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में विधानसभा सचिव के कक्ष में महेश्वर हजारी ने अपना नामांकन भरा था, जिसके बाद बीते दिन हुए मतदान में महेश्वर हजारी के पक्ष में 124 वोट मिले। इसके साथ ही विपक्ष इस दौरान सदन में मौजूद नहीं रहे। नीतीश के साथ हुए चिराग के विधायक। विपक्ष की गैर मौजूदगी में बीते दिन विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी को चुना गया है, जिसके बाद से सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि चिराग पासवान के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने उपाध्यक्ष पद को लेकर हुए चुनाव में जदयू विधायक के पक्ष में मतदान किया। लोजपा विधायक ने चिराग पासवान की हैसियत बताते हुए एनडीए के पक्ष में मतदान किया और एनडीए का गुणगान भी किया, जिसके बाद से ही राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, जिसके तहत बयानबाजियों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। राज्यसभा में मनोज झा को बोलने की नहीं दी गई अनुमति। बिहार विधानसभा में ही हंगामे के बाद बिहार सरकार लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। वहीं बिहार विधानसभा में ही हंगामे और विपक्षी दलों के विधायकों को सदन से बाहर निकालने के दौरान हुए दुर्व्यवहार को लेकर राजद के सदस्य मनोज झा ने राज्यसभा में कुछ बोलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे राज्य का विषय करार कर दिया। इस पर सभापति ने कहा कि इस विषय पर झा की ओर से दिए गए नोटिस को उन्होंने देखा है, लेकिन चूंकि यह राज्य का विषय है इसलिए यहां नहीं उठाया जा सकता। तेजस्वी यादव ने 5 साल तक विधानसभा बॉयकॉट करने की दी धमकी। मंगलवार को राजद की तरफ से बुलाए गए विधानसभा मार्च के बाद स्थिति अनियंत्रित हो गई थी। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने कल विधानसभा में भी खूब हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को अपने बल का इस्तेमाल दोनों जगहों पर करना पड़ा। इसी बीच पुलिस के इस रवैये से नाराज तेजस्वी यादव ने बीते दिन खूब भड़ास निकाली, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे सवालों का जवाब नहीं देते, सदन में हमें बोलने नहीं दिया जाता। यह सभी ने देखा है कि किस तरह सदन के अंदर पुलिस बुलाया गया, विधायकों की पिटाई भी की गई। हम उन्हें चुनौती देते हैं कि सदन से बाहर हमसे निपट ले। इसके साथ ही तेजस्वी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है और नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते हैं तो विपक्ष पूरे 5 साल तक विधानसभा के सत्र को बॉयकॉट करेगा। लोक अभियोजक ने लालू यादव को लेकर कही बड़ी बात। लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से जुड़े 139.5 करोड़ रुपए के अवैध निकासी के मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही पेश की जा रही है। इसको लेकर सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत की विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने घोटाले से संबंधित कई रोचक जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने लालू यादव को रुपयों से भरे थैले के साथ देखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने घोटाले में सत्ता और अफसरशाही के गठजोड़ की भूमिका से अदालत को अवगत भी करवाया है। सदन की कार्रवाई को किया गया अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बिहार विधानसभा में बुधवार का दिन भी काफी हंगामेदार देखने को मिला। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस और राजद के विधायकों ने परिसर में अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इन विधायकों की मांग थी कि मंगलवार को विधानसभा में विधायकों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधानसभा में मंगलवार को हुई घटना पर चर्चा के बाद परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया। विरोध में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा किया, जिसके बाद अब सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। 1788 में आज ही के दिन समाचार पत्र कलकत्ता गैजेट में भारतीय भाषा बंगला का पहला विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को ब्रह्मचार्य की दीक्षा आज ही के दिन दी थी। 1948 में थिएटर की दुनिया और बॉलीवुड के मशहूर कलाकार फारूक शेख का जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ ही 1920 में स्वाधीनता सेनानी और गांधीवादी नेता उषा मेहता का जन्म आज ही के दिन हुआ। 1931 में महान पत्रकार और राजनेता गणेश शंकर विद्यार्थी ने दुनिया को अलविदा कहा। चोट के चलते श्रेयस अय्यर वनडे सीरीज से हुए बाहर। भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच से पहले ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कंधे में लगी चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए। उन्हें यह चोट पहले वनडे के दौरान लगी थी। इसके अलावा बीसीसीआई ने बताया है कि अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा भी अगले मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड की 148 किलोमीटर की स्पीड वाली गेंद रोहित की कोहनी पर लग गई थी, जिसके बाद उन्हें दर्द होने लगा था। सुशांत की फिल्म छिछोरे को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार पर बहन ने किया भावुक पोस्ट। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले साल दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद से ही लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खबरें मीडिया में सामने आ रही थी। जिसके बाद अब सुशांत की फिल्म छिछोरे को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड दिया गया है। उनकी फिल्म को पुरस्कार मिलने पर अब उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने बड़ा ही भावुक पोस्ट किया है। श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिलने पर खुशी जताई है और कहा है कि भाई मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यहां पर होते। श्वेता ने इसके साथ ही लिखा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुझे आप पर गर्व महसूस नहीं होता। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमन कुमार, अमरजीत कुमार, जितेंद्र कुमार, मुरारी कुमार, प्रदीप कुमार, दीपक कुमार, अंजन कुमार, अशोक कुमार, पवन कुमार यादव, रविंद्र पासवान, धनराज एंटरटेनमेंट ऑफिशियल, साहिल राज, रजनीश रंजन, मोहन अगम ऑफिशियल, पीएन यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के पास होने के दौरान विपक्ष और पक्ष की तरफ से जो हंगामा हुआ उस पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।